समंदर का नीला पानी हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और समंदर के अंदर की दुनिया वो भी तो अक्सर हमें हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। तभी तो कभी ऊंचाई से गोता लगाती हुई डॉल्फिन दिल को खुश कर जाती है, तो कभी अम्ब्रेला जैसी दिखाई देने वाली रंग बिरंगी जेलीफिशेस हमें हैरान कर देती हैं। क्या आपने कभी जेलीफिश को देखा है? अगर देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे कलरफुल और एकदम अनोखे समुद्री जीव को देखने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ और नेचर के जादू से भरपूर। तो ऐसे ढेरों जादू बिखरे हैं समंदर की गहराइयों में, और उन्हीं में से एक खूबसूरत और रहस्य से भरा जादू है जेलीफिश। दिखने में बहुत ही सुंदर और अनोखी जेलीफिश अपने आप में इतनी सारी विशेषताएं रखती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप जेलीफिश की वो सारी खूबियां और यूनिक फीचर्स जान जरूर सकते हो आज की इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, क्योंकि आज हम जेलीफिश को बहुत करीब से देखने और समझने वाले हैं। और इस सी एनिमल के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही हैरान होते चले जाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ब्यूटीफुल दिखने वाले सॉफ्ट और अट्रैक्टिव सी एनिमल जेलीफिश की जिंदगी को करीब से देखते हैं। दिखने में बहुत ही नाजुक लगने वाली जेलीफिश का सफर अर्थ प्लैनेट पर बहुत लंबा है, क्योंकि ये अर्थ पर एक लंबे समय से रह रही है और ये तब से इस प्लैनेट का हिस्सा है जब डायनासोर्स भी नहीं हुआ करते थे। इसका मतलब जेलीफिश एक ऐसा समुद्री जीव है जो डायनासोर्स के समय से भी पहले अर्थ प्लैनेट पर मौजूद रहा। सोचकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच है कि आज से लगभग 500 मिलियन सालों से ये जेलीफिश अर्थ पर मौजूद है, और इसलिए अर्थ के ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर्स में इसका नाम शामिल है। इसका मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए डायनासोर्स जैसा विशाल काय होना जरूरी नहीं है, बल्कि जेलीफिश जैसा सर्वाइवल आना चाहिए। इसकी तरह सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करने आने चाहिए, तभी इतना लंबा सफर तय किया जा सकता है। और फिर जेलीफिश तो कुछ खास चूजी और सिलेक्टिव भी नहीं लगती, क्योंकि इसे पानी की गहराइयों में रहना अच्छा लगता है। तो ये पानी की सतह पर भी आराम से रह लेती है, महासागर में रहना हो या ताजे पानी की झीलों में, इसे एडजस्ट करना आता है। और इसे तो गर्म और ठंडे पानी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही इसे वार्म ट्रॉपिकल वाटर में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आर्कटिक और एंटार्कटिक के बर्फीले पानी में रहने में भी इसे कोई हर्ज नहीं है। और कुछ जेलीफिश स्पीशीज तो ऐसी भी होती हैं जो एक्वेरियम्स में भी आराम से रह लेती हैं। आई थिंक जेलीफिश हमें ये सिखा सकती है कि जिस भी एटमॉस्फेयर और सिचुएशंस में रहो, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाओ। जिंदगी है, इसे भरपूर जियो। क्या फर्क पड़ता है कि आप कहाँ हो? आपको क्या लगता है? वैसे आपको ये तो नहीं लगता ना कि जेलीफिश एक ही रंग की होती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेलीफिश बहुत सारे रंगों में पाई जाती है, लाल, नीला, पीला और नारंगी। ये तो बस कुछ रंग है जेलीफिश के, और कुछ जेलीफिश स्पीशीज तो कई रंगों की भी होती हैं, जिन्हें देखकर आंखों में चमक आ जाए और दिल खुश हो जाए। ढेर सारे रंगों वाली ये जेलीफिशेस बहुत सारे आकारों में भी तो पाई जाती हैं, यानी कुछ इतनी छोटी होती हैं कि इंसान की एक उंगली जितनी हो, तो कुछ इतनी बड़ी भी होती हैं कि हम इंसानों जितना बड़ा आकार रखती हैं। इनकी पूरी जिंदगी पानी के इर्द गिर्द ही घूमती है, और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि ये तो बनी ही पानी से है। क्योंकि जेलीफिश की बॉडी में लगभग 98% वाटर होता है, तो इसीलिए जब कभी ये लहरों के साथ बहते हुए किनारे पर आ जाती हैं, तो कुछ ही घंटों में गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी हवा में एवेपोरेट हो जाती है, बिल्कुल पानी की तरह। इनकी बॉडी बेल शेप लिए होती है, जो अम्ब्रेला जैसी भी नजर आती है, इसलिए देखने में बेहद खूबसूरत लगा करती है। इन्हें देखकर ये लगता ही नहीं कि ये कोई एनिमल होगी, लेकिन जब इनके लंबे लंबे टेंटिकल्स जो कुछ कुछ ऑक्टोपस की याद दिलाते हैं, वो स्किन पर हमला करते हैं, तो याद आता है कि अरे, ये तो वाकई में एक सी एनिमल है, जिससे दूर रहना ही बेहतर होगा। यूं तो जेलीफिश इंसानों से कोई बैर नहीं रखती, लेकिन अपने बचाव के लिए इसे डंक मारना और दुश्मन को घायल करना अच्छे से आता है, जो कि हर जीव की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। कुछ जेलीफिश केवल एक झटके जैसा अटैक करती हैं,
तो कुछ जेलीफिश ऐसी भी हैं जिन्हें टच करना अपनी जान गंवाने जैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत जहरीली भी होती हैं। और इसलिए बहुत ही प्यारे, नाजुक और अनोखे दिखने वाले इस समुद्री जीव को डेडलीएस्ट क्रीचर भी माना जाता है। इसलिए इसे देखकर खुश होना बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसे टच करना कितना रिस्की हो सकता है, इसका अंदाजा आपको हो गया है। इसलिए जेलीफिश के अटैक से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन पहले जेलीफिश को तो अच्छी तरह से जान ले। आज हम जेलीफिश की 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी तो इसकी हजारों स्पीशीज के बारे में जानना बाकी है। वैसे हम जेलीफिश के बारे में जो खास बात जानते हैं वो ये है कि ये जेलीफिश असल में फिश नहीं है और इसका फिश से कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिश जहाँ वर्टिब्रेट होती है, यानी उसके बैकबोन पाई जाती है और वो गिल्स से सांस लेती है, वहीं जेलीफिश एक इनवर्टिब्रेट है, यानी इसकी बॉडी में बैकबोन नहीं होती और अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए ये अपनी स्किन से सांस लेती है। इसके पास फिश की तरह स्केल्स और फिन्स भी नहीं होते और ये तैरने के लिए अपनी बेल शेप्ड बॉडी को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसी से इसका मूवमेंट होता है, यानी फिश और जेलीफिश एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। तो फिर जेलीफिश को फिश क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन तो बस इतना है कि पानी में रहने की वजह से इस जेली जैसे दिखने वाले समुद्री जीव को जेलीफिश नाम दे दिया गया। हालांकि अब इन्हें सिर्फ जेली और सी जेली भी कहा जाने लगा है। आपको इनमें से कौन सा नाम पसंद आ रहा है, आप चूज कर सकते हैं। जेलीफिश को इससे कोई एतराज नहीं होगा। जेलीफिश का बॉडी स्ट्रक्चर हो या फिर मूवमेंट, और इनका लाइफ साइकिल ही क्यों ना हो, सब कुछ इतना डिफरेंट है कि ये बाकी समुद्री जीवों से अलग ही पहचानी जाती है और इसलिए यूनिक क्रीचर कहलाती है। ये जेलीफिशेस एनिमल किंगडम के नाइडेरिया फाइलम के अंडर आती हैं। इस फाइलम में जेलीफिशेस के अलावा कोरल और सी एनेमोनिस भी आते हैं, इसलिए ये जेलीफिश के क्लोज रिलेटिव कहलाते हैं। नाइडेरिया एक ग्रीक वर्ड नाइडो से बना है, जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग थ्रेड, यानी चुभने वाला धागा। और जेलीफिश के टेंटिकल्स में ऐसी चुभन पैदा करने वाले स्टिंग तो होते ही हैं। अब इस फाइलम नाइडेरिया में जो जेलीफिशेस ग्रुप क्लास साइनोफोजिया की मेंबर है, वही ट्रू जेलीफिश कहलाती है। इस साइफोजोआ ग्रुप क्लास की लगभग 175 स्पीशीज पूरी दुनिया में मौजूद है और साइफोजोआ क्लास के मेंबर्स बेल शेप लिए होते हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स की एक खासियत होती है कि इनकी बेल शेप्ड बॉडी में रेडियल सिमेट्री होती है। इनकी बॉडी वॉल, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस से बनी होती है और उन्हें मेसोग्लिया सेपरेट करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। इन जेलीफिशेस में नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं और इन्हीं सब फीचर्स के बेस पर इस ग्रुप में पाई जाने वाली जेलीफिशेस ट्रू जेलीफिश कहलाती है। और जो इस ग्रुप की मेंबर्स नहीं होती है, उन जेलीफिशेस को ट्रू जेलीफिश नहीं कहा जाता, और इसलिए मून जेली एक ट्रू जेलीफिश कहलाती है और बॉक्स जेलीफिश एक ट्रू जेलीफिश नहीं कहलाती, क्योंकि ये साइफोजोआ क्लास की मेंबर नहीं है बल्कि क्यूबोजोआ क्लास की मेंबर है। यानी ये जेलीफिश तो है लेकिन ट्रू जेलीफिश नहीं कहला सकती। इस बात से इन्हें शायद ही कुछ फर्क पड़ता होगा। हाँ, लेकिन स्टडी और रिसर्च पर्पस के लिए ये बात हम इंसानों के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखती है। इसी तरह कॉम जेली भी जेली जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन उनके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स नहीं पाए जाते, जो नाइडेरिया फाइलम की पहचान होते हैं, इसलिए वो फाइलम नाइडेरिया में नहीं आती और इसलिए कॉम जेली जेलीफिश नहीं कहलाती। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर जेली जैसा लगने वाला क्रिएचर जेलीफिश नहीं होता। जेलीफिश के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ये तो समझ आ गया है कि जेलीफिश फिश तो बिल्कुल भी नहीं होती, और जेलीफिश भी कई टाइप की होती है, यानी ट्रू जेलीफिश और सिर्फ जेलीफिश। और हाँ, कई जेली जैसी दिखने वाले समुद्री जीव जेलीफिश नहीं होते हैं, वो बस जेली जैसी दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें जेलीफिश के सारे फीचर्स नहीं हुआ करते। ये वाकई इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन एक जेलीफिश का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए जानते हैं। जेलीफिश अपनी बेल शेप बॉडी के लिए जानी जाती है, खासकर ट्रू जेलीफिश। ये बेल एक सॉफ्ट जेली जैसे सब्सटेंस से बनी होती है, जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। जेलीफिश की बेल के सेंटर से रेडियल कैनाल्स भी निकलती है, जो न्यूट्रिएंट्स को जेलीफिश के हर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इस बेल से लंबे और फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स निकले रहते हैं, जो जेलीफिश के लिए खाना पकड़ने का काम करते हैं।
इसके अलावा दुश्मनों से बचाव के लिए ये टेंटिकल्स हमला करना भी जानते हैं, क्योंकि हर टेंटिकल में स्टिंगिंग सेल्स होती है जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये सेल्स जेलीफिश के शिकार को पैरालाइज कर देती हैं, ताकि उसे आसानी से पकड़कर खाया जा सके। और अगर कोई जेलीफिश को तंग करे या इसका शिकार करने के लिए इसके पास आना चाहे, तो अपने दुश्मन को अपने स्टिंग से मजा चखाना ये जेलीफिश बहुत अच्छे से जानती है। अपनी ब्यूटीफुल बेल शेप और डेंजरस टेंटिकल्स के लिए जानी जाने वाली जेलीफिश की कुछ स्पीशीज में लंबी, पतली और फ्रिल जैसी दिखाई देने वाली ओरल आर्म्स भी हुआ करती हैं, जो बेल के सेंटर से निकलती हैं। ये आर्म्स बेल के नीचे मौजूद जेलीफिश के माउथ तक खाने को पहुंचाने में मदद करती हैं। जेलीफिश का माउथ कोई स्पेशल बॉडी पार्ट नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक ओपनिंग होता है जिसमें से खाना अंदर जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड भी इसी ओपनिंग से बाहर निकलता है। यानी जेलीफिश की ये ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। ज्यादातर जेलीफिशेस में सेपरेट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो ओरल आर्म्स के बेस के नजदीक हुआ करते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से ये समझ पाएंगे कि जेलीफिश एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर रखती है, इनमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। इसके बावजूद पानी के अंदर अपनी दुनिया बसाने और बचाए रखने के लिए इनके एफर्ट्स और अडेप्टेशंस वाकई में काबिले तारीफ हैं। ऐसे में लगता है कि जेलीफिश का ब्रेन तो बहुत ही शार्प होगा, तभी तो वो इतना सब कुछ आसानी से हैंडल कर लेती हैं। लेकिन अब आपके शॉक्ड होने की बारी है, क्योंकि जेलीफिश के पास तो ब्रेन होता ही नहीं है। जी हाँ, सच में जेलीफिश की बॉडी में ब्रेन जैसा कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता, लेकिन लगता है जैसी ये बात जेलीफिश को नहीं पता, तभी तो वो इतना अच्छी तरह से इन सारे खतरों से भरी समुद्री दुनिया में सरवाइव कर रही है। और तो और, इस फ्लेक्सिबल सी एनिमल की बॉडी में ना तो ब्लड होता है और ना ही हार्ट जैसे अदर ऑर्गन्स होते हैं। इसकी बॉडी में कोई बोन्स और कोई मसल्स भी नहीं होती। हाँ, लेकिन इसके पास एक बहुत ही सिंपल नर्वस सिस्टम जरूर होता है, जो इसके मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के इंस्ट्रक्शंस देता है। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही सिंपल और बेसिक होता है। इतना सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर रखने वाली जेली फिशेज में से कुछ के पास अच्छा विजन होता है, लेकिन बहुत सी जेली फिशेज के पास विजन होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं होती बल्कि आई स्पॉट्स होते हैं, जिन्हें रोपेलिया कहते हैं। ये अक्सर जेलीफिश की बेल के किनारों के पास सिचुएटेड होते हैं। ये आई स्पॉट्स जेलीफिश को बताते हैं कि उनके आसपास क्या है। ये आई स्पॉट्स लाइट में होने वाले चेंजेस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और जेलीफिश आराम से स्विम करती हुई अपने शिकार को पकड़ भी लेती हैं, और शिकारी को सबक भी सिखा देती हैं। जेलीफिश के पास कान भी नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी पर मौजूद बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक सेंसर्स से पानी के अंदर के साउंड्स को पहचान भी लेती हैं और उन पर रिस्पॉन्ड भी कर देती हैं। इतने सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के दम पर सदियों से सरवाइव करने वाली जेलीफिशेस सिर्फ अपने एडजस्टमेंट्स के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपनी डिफरेंट साइजेस की वजह से भी सबका ध्यान खींच लेती हैं। आपको क्या लगता है सबसे छोटी जेलीफिश का क्या साइज होगा? तो क्रीपिंग जेलीफिश है स्मॉलेस्ट जेलीफिश, जिसकी बेल्स डिस्क का साइज सिर्फ 0.5 मिलीमीटर होता है। अगर स्मॉल जेलीफिश के बारे में जानकर आपको लगता है कि छोटी जेलीफिश खतरनाक नहीं हुआ करती होंगी, तो आप अरुपकांजी जेलीफिश के बारे में जान लीजिए, जो भले ही एक एडल्ट ह्यूमन के नाखून के बराबर होती है, लेकिन उसका डंक इतना खतरनाक होता है कि सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, और इसके अटैक से जान भी जा सकती है। जहाँ इतनी छोटी जेलीफिश जानलेवा साबित हो सकती है, वहाँ लार्ज जेलीफिश कैसी होती होंगी। तो ये समझना जरूरी है कि जेलीफिश का साइज उसे जहरीला नहीं बनाता, बल्कि उसका स्टिंग कितना जहरीला है ये तय करता है कि कौन सी जेलीफिश खतरनाक होती है और कौन सी नहीं। क्योंकि लार्जेस्ट जेलीफिश होती है लायंस मेन जेलीफिश, जो कि इतनी घातक नहीं होती। इसी ये नाम अपने टेंटिकल्स के कलर्स की वजह से मिला है, और इसके टेंटिकल्स ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं, जो शेर की गर्दन से निकलने वाले बालों जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस जेलीफिश को लायंस मेन जेलीफिश नाम से जाना जाता है। इस लार्जेस्ट जेलीफिश की बेल का डायमीटर 7 फीट से भी ज्यादा हो सकता है, और इसके टेंटिकल्स 120 फीट लंबे हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा है, इसीलिए तो ये जेलीफिशेस में लार्जेस्ट है। इतनी बड़ी साइज के बावजूद इस जेलीफिश के स्टिंग्स इतने घातक नहीं होते कि
कि इंसान की जान ही चली जाए या उसकी कंडीशन सीरियस हो जाए। इस लायंस मेन जेलीफिश के अलावा और भी कई लार्ज जेलीफिशेस अपने साइज के लिए जानी जाती है, जैसे नोमूराज जेलीफिश, बैरल जेलीफिश, ब्लैक सी नेटल और ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश है ना, ये लार्ज तो है ही, साथ ही डेडलीस्ट जेलीफिशेस में भी शामिल है। बॉक्स जैसी शेप की वजह से इसे ये नाम मिला है और इसका स्टिंग इतना स्ट्रॉन्ग और पॉइजनस होता है कि इसके कॉन्टैक्ट में आते ही एक इंसान को पैरालिसिस और हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है और कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान भी जा सकती है। देखने में ये खतरनाक नहीं लगती, इसलिए इससे बचने के बारे में सोचा नहीं जाता और इसलिए लोग इसके नजदीक जाकर अपनी जान गंवाते आए हैं। इस बॉक्स जेलीफिश के अलावा सी नेटल और कैनन बॉल जेलीफिश जैसी बहुत सी जेलीफिशेस ऐसी होती है जो इंसान की बॉडी को पेन से भर सकती है और हेल्पलेस भी फील करा सकती है। इनमें बहुत छोटी अरुकांजी जेलीफिश भी शामिल है जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। अब जहां खतरनाक जानलेवा जेलीफिशेस है, वहीं ऐसी जेलीफिशेस भी मौजूद हैं जो इंसानों के लिए हार्मलेस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास स्टिंग नहीं होते या उनसे इंसानों को पेन नहीं होता, क्योंकि स्टिंग तो जेलीफिश के पास होते ही हैं, लेकिन उनके टच होने से मामूली सा पेन फील होता है। इसलिए ऐसी जेलीफिशेस हार्मलेस जेलीफिशेस कहलाती हैं, जैसे कि क्रिस्टल जेली और मून जेली। मून जेली को देखकर आपकी आंखों में चमक आ सकती है, क्योंकि ये मून जैसी ही तो नजर आती हैं, बेहद खूबसूरत। इनका स्टिंग जहरीला तो होता है लेकिन इंसानों के लिए नहीं, इसलिए कई देशों में इसे एक पॉपुलर डिश की तरह खाया भी जाता है। खूबसूरत दिखने वाली ये जेलीफिश मून की तरह चमकती भी है और समंदर के अंधेरे में अगर चांद सी रोशनी देखने को मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक सी एनिमल चमकता भी हो? तो इसका रीजन बायोल्यूमिनेसेंस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से वो लाइट एमिट करते हैं। असल में इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अपनी बॉडी से लाइट एमिट करके ये शिकारी को कंफ्यूज कर देते हैं, उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो इस जेलीफिश को ठीक से देख पाए उससे पहले ही ये रफू चक्कर हो जाती है। इसके अलावा अपने शिकार को अट्रैक्ट करके पास बुलाने में भी ये लाइट मून जेली की काफी मदद करती है और इनकी इस चमक से समंदर के अंधेरे रोशन हो जाते हैं और बाहर से देखने पर भी समंदर का नीला पानी जगमगाता हुआ नजर आता है। ये नजारा वाकई में देखने लायक होता है। अपने शिकारी को भगाने के लिए इस पावर का यूज करना वाकई कमाल है और अपने शिकारी को पास बुलाने का भी ये एक जबरदस्त आइडिया है। अब ऐसे में कौन कह सकता है कि जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता? वैसे शिकार को पास बुलाकर जेलीफिश उसे खाती कैसे है और डाइजेस्ट कैसे करती है, ये भी जान लेते हैं। तो जेलीफिश जो कि एक कार्निवोरस है यानी मांसाहारी, ये असल में पैसिव फीडर होती है यानी पानी के फ्लो के साथ जब ये तैरती जाती है तो रास्ते में जो कुछ इसके पास से गुजरता है और इसके मुंह में आ सकता है उसे ये खा लेती है। यानी श्रिम्प हो, चाहे क्रिल हो या फिर छोटी मछलियां ही क्यों ना हो, जेलीफिश को खाने में सब पसंद है। लेकिन हमेशा खाना मुंह तक खुद तो नहीं आ सकता ना, उसके लिए एफर्ट्स तो करने ही होते हैं और ऐसा ही जेलीफिश को भी करना होता है। ये जेलीफिश दूसरी जेलीफिश को खाने से भी नहीं झिझकती और अपने टेंटिकल्स का यूज करके अपने शिकार पर हमला बोल देती है। जेलीफिश के टेंटिकल्स में हजारों स्मॉल सेल्स होती हैं और ये स्टिंगिंग सेल्स पॉइजनस होती हैं। जैसे ही जेलीफिश अपने शिकार के नजदीक पहुंचती है, ये टेंटिकल्स में मौजूद इन स्टिंग सेल्स से शिकार की स्किन पर बहुत ज्यादा प्रेशर से अटैक करती हैं, जिससे शिकार के स्किन के अंदर पॉइजन पहुंच जाता है। ये पॉइजन शिकार को पैरालाइज करने के लिए काफी होता है और ऐसे शिकार को पकड़कर मुंह तक लाना जेलीफिश के लिए काफी आसान हो जाता है। इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जेलीफिश के पास ऐसा बहुत ही सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें लीवर, पैनक्रियास और इंटेस्टाइंस जैसा कुछ भी नहीं होता। इसमें बस एक लार्ज कैविटी होती है जो खाने को तोड़ने का काम करती है ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स लिए जा सके। अब जेलीफिश के पास इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में सप्लाई करने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो पाया नहीं जाता, ऐसे में ये न्यूट्रिएंट्स पानी में घुलकर पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसे बाहर निकालना भी जरूरी हो जाता है।
क्योंकि जब तक जेलीफिश इस वेस्ट को बॉडी से बाहर ना निकाल दे वो दोबारा कुछ भी नहीं खा सकती। इसलिए इस वेस्ट को जेलीफिश अपने माउथ ओपनिंग से ही बाहर निकाल देती है, क्योंकि ये ओपनिंग एनस की तरह भी काम करती है। अपने शिकार को पकड़ने में होशियार रहने वाली और अलग अलग तरकीबों से उसे अपने पास बुलाने वाली जेलीफिश जब छोटी छोटी मछलियों को अपनी बेल के नीचे प्रोटेक्शन देती हुई नजर आती है तो बड़ी हैरानी होती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका रीजन शायद ये है कि ये छोटी छोटी फिशेस जेलीफिश से भी ज्यादा स्मार्ट होती हैं। तभी तो जेलीफिश के टेंटिकल से बचते बचाते उसकी बेल के नीचे खुद को छुपा लेती हैं और गहरे समंदर में उनके लिए फैले खतरों को कुछ हद तक कम कर लेती हैं। हो सकता है कि स्मॉल एनिमल्स पर जेलीफिश के पॉइजन का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, या फिर ये सोचते हो कि जब तक जान बच सके बचा ले, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब इस तरह का प्रोटेक्शन देने से जेलीफिश को क्या फायदा होता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इन छोटे छोटे समुद्री जीवों को जरूर थोड़ी तसल्ली मिल जाती होगी जो लंबे समय के लिए भी हो सकती है और कुछ पलों के लिए भी, क्योंकि कई बार जेलीफिश इन्हें खा भी जाती है। इसे नेचुरल कहे या धोखा ये आप ही सोचिए, लेकिन इस जेलीफिश के बारे में जरूर जान लीजिए जिसे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद इसलिए ये गोल्डन जेलीफिश अपने पेट में ही एल्गी को बड़ा कर लेती हैं और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखती है। ये असल में एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है जिसमें एल्गी को रहने के लिए गोल्डन जेलीफिश के टिश्यूज मिलते हैं और वो बदले में उसे फोटोसिंथेसिस से मिलने वाली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये तो वाकई कमाल है ना, इसे तो एक्सेप्शन कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर जेलीफिशेस तो मजे से अपनी अपनी पसंद का खाना खाती है और वो जो खाती है उससे उनका कलर भी अफेक्ट होता है, जिससे कोई जेलीफिश पिंक तो कोई पर्पल हो जाती है। जेलीफिश की वैसे एक और खास बात ये है कि जेलीफिश बहुत ही फूडी होती है, यानी इन्हें खाना बहुत पसंद होता है और जैसे ही इन्हें ओशंस में खूब सारा खाना मिलने लगता है ये बिना देर किए उस पर टूट पड़ती हैं और उसे खूब एंजॉय करती हैं। खाने के लिए ये एक साथ मिलकर लाखों की संख्या में इकट्ठी हो जाती हैं और इतना सारा खाना खा लेती हैं कि समंदर में मछलियों और स्मॉल सी एनिमल्स की कमी हो जाती है। इस टाइम में अपना साइज काफी बड़ा कर लेती हैं और अपनी संख्या बढ़ाने में भी बिल्कुल देर नहीं करती, यानी इन्हें ब्रीडिंग का सही टाइम पता होता है। इस टाइम जेलीफिश के इतने बड़े ग्रुप बन जाते हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इन्हें ब्लूम कहते हैं। ये जेलीफिश ब्लूम इकोसिस्टम के लिए एक चैलेंज बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये जेलीफिश ब्लूम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद करवाने की पावर भी रखते हैं और ऐसा कर भी चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ओशन वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं और ये ब्लूम पाइप्स को बंद करके बहुत से ऑपरेशंस को अस्थायी सीज कर चुके हैं और ये वाकई में फिक्र की बात है। अब ऐसे में ये समझा जाना जरूरी है कि जेलीफिश ब्लूम बनता क्यों है। क्या जेलीफिश को ग्रुप बना करके रहना पसंद होता है? तो नहीं, जेलीफिश को ग्रुप में रहना कुछ खास पसंद नहीं होता। इन्हें अपनों का साथ अच्छा तो लगता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि ये हमेशा उनके साथ ही रहा करें। ये असल में अकेले रहना पसंद करती हैं। ये ज्यादातर ग्रुप में तब साथ आती हैं जब ये किसी एक फूड सोर्स को फॉलो कर रही हों। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ओशन का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जेलीफिश के लिए खाना बहुत बढ़ जाता है, जिसे खाने के लिए ये पास पास आ जाती है और ज्यादा खाना खाकर ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देती है। तेजी से रिप्रोड्यूस करने से इनकी संख्या बढ़ जाती है जो कि ब्लूम बना देती है। अब इसमें जेलीफिश की क्या गलती है? गलती तो क्लाइमेट चेंज करने वालों की हुई ना, यानी हम इंसानों की। ये सी एनिमल तो केवल इस क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि तेजी से रिप्रोड्यूस करने वाली जेलीफिशेस का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। जेलीफिश बहुत ही सिंपल क्रीचर है जिसके पास कोई एडवांस ऑर्गन नहीं है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स है। ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं और इनकी डिफरेंट स्पीशीज साल के अलग अलग टाइम पर रिप्रोड्यूस करती हैं। इसके लाइफ साइकिल में कई सारी फेजेस होती हैं और जेलीफिश की लाइफ एक फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म में शुरू होती है। एडल्ट फीमेल जेलीफिश ओशन में अपने एग्स रिलीज करती हैं और एडल्ट मेल जेलीफिश स्पर्म रिलीज करता है
ओशन करेंट्स के साथ ये दोनों मिलकर के फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग ओशन करेंट्स के साथ बहते हुए प्लैनुला की फॉर्म में डेवलप होता है, जो एक ओवल शेप्ड जेलीफिश एग होता है, जिसके सीलिया भी होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं। ये सीलिया इस एग को पानी में आगे बढ़ाते हैं जब तक इसे अटैच होने के लिए कोई हार्ड सरफेस ना मिल जाए। ये प्लैनुला ग्रो करता रहता है और जब ये सफिशियंटली लार्ज हो जाता है तो एक सूटेबल सॉलिड सरफेस ढूंढकर उससे अटैच हो जाता है। ये हार्ड सरफेस ओशन फ्लोर या कोरल रीफ हुआ करती है। इससे अटैच होने के बाद एग पॉलिप फेज में आता है और ये पॉलिप साइज में बढ़ता चला जाता है जब तक कि ये पॉलिप्स के एक स्टैक यानी ढेर जैसा ना हो जाए, जो एक एक करके अलग हो सकते हों। जेलीफिशेस पॉलिप फेज में सालों तक रह सकती है। ये फेज मच्योर होने की परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करने के लिए होती है। कंडीशंस आइडियल होते ही पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करती हैं। इसमें वो खुद की क्लोनिंग करती है। ये प्रोसेस स्ट्रॉ पिलिशन कहलाता है। इस प्रोसेस से बना पॉलिप का हर सेगमेंट एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो एफ्रा कहलाता है। इस टाइम ये कुछ मिलीमीटर जितना ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये तैरना शुरू करता है वैसे ही खाता जाता है और ग्रो करता जाता है। लेकिन इस समय तक इसके पास क्लोज्ड बेल शेप और स्टिंगिंग टेंटिकल्स नहीं होते। पूरी तरह डेवलप होने के बाद एफ्रा मेड्यूसा कहलाता है और इस समय ये एडल्ट जेलीफिश बन चुका होता है, जो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यानी पॉलिप जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की फेज है, वहीं मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन इस मेड्यूसा फेज में जेलीफिश ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। यानी मेड्यूसा फेज तो जेलीफिश की ओल्ड एज है, ये उसकी फुल लाइफ नहीं है। इसकी पूरी लाइफ तो इन डिफरेंट फेजेस में बटी हुई है और मेड्यूसा फेज, जिसे हम जेलीफिश की तरह देखते हैं, वो तो इसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। लेकिन इसमें अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि जेलीफिशेस को लंबी उम्र की जरूरत शायद महसूस ही नहीं होती। इन्हें रिप्रोड्यूस करने की परफेक्ट कंडीशंस की अच्छी समझ होती है, जिसका इस्तेमाल ये बखूबी करती हैं। और अपनी लाइफ के इस पर्पस को पूरा करने के बाद ये कभी भी समंदर की सतह में न्यूट्रिएंट्स की तरह घुल जाती है। यानी इनकी पूरी कहानी पूरी हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। एक जेलीफिश की लाइफ कितनी होगी, ये इसकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है। और इसी बेस पर कुछ जेलीफिशेस तो केवल कुछ घंटे जिंदा रहती हैं, तो कई जेलीफिशेस कई सालों तक। इनकी डेथ के कई रीजंस में से सबसे अहम तो इनका शिकार होना है, क्योंकि हर शिकारी भी तो किसी का शिकार होता है ना। इसलिए स्मॉल एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरने वाली जेलीफिश, ओशन सनफिश, हर्मिट क्रैब्स, सी बर्ड, सी टर्टल्स और पेंगुइन्स जैसे सी एनिमल्स का शिकार बनती है। कई बार जब क्लाइमेट चेंज की वजह से इसके शिकारियों की संख्या ओशंस में बढ़ जाती है, तो इनकी संख्या तेजी से कम भी हो जाती है। ये तो होना ही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ इम्बैलेंस ही ला सकता है। शिकार होने के अलावा खाने की कमी हो जाने की सिचुएशन में भी इनकी डेथ हो जाती है, और रफ वेव से टकरा कर के भी ये डैमेज हो जाती हैं, और इनकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हर जेलीफिश की कहानी ऐसी नहीं होती, क्योंकि इमोर्टल जेलीफिश का फसाना एकदम अलग है। इस जेलीफिश को अर्थ प्लैनेट का ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये जेलीफिश ओल्ड हो जाती है या फिर इसे चोट लगती है या भूख की वजह से इसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो ये अपनी ओल्ड सेल्स को रीजनरेट कर लेती हैं। इस प्रोसेस को ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये नई जेलीफिश में बदल जाती है और अपनी लाइफ फिर से शुरू कर लेती है कभी भी। और कमाल की बात ये भी है कि ये जितनी बार चाहे उतनी बार रीजनरेट कर सकती है। इतना कुछ यूनिक अपने अंदर समेटे रखने वाली जेलीफिश अर्थ पर सदियां बिता चुकी है, तो इनसे तो आसमान भी अछूता नहीं है, क्योंकि जेलीफिश स्पेस की सैर भी कर चुकी हैं। असल में साल 1991 में नासा ने 2000 जेलीफिश पॉलिप्स को स्पेस में ब्लास्ट किया था, ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि ग्रेविटी की एब्सेंस में एक लिविंग थिंग कैसे रिएक्ट करेगी। इन जेलीफिशेस ने स्पेस में रिप्रोड्यूस किया और 60,000 से ज्यादा जेलीज बना दी। लेकिन ये जेलीफिशेस अर्थ पर लौटकर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाई। अब इसके बाद अगर ये भी जान लिया जाए कि जेलीफिश के पॉइजनस स्टिंग से कैसे बचाव किया जाए, तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए कुछ सिंपल सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, जैसे कि जेलीफिश बेवजह इंसानों पर अटैक नहीं करती है जब तक कि उसे अपने डिफेंस की जरूरत ना पड़े,
और जब इसे अपने बचाव की जरूरत लगती है तो ये स्टिंग के साथ जो पॉइजन स्किन में भेजती है उससे स्किन में स्वेलिंग आ सकती है, तेज दर्द हो सकता है और अगर पॉइजन ज्यादा हो तो सांस लेने में और चलने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि समंदर किनारे घूमते हुए जब जेलीफिश दिख जाए तो उसे दूर से ही देखा जाए और पानी में उतरकर उसे हाथ लगाने और तंग करने के बारे में ना सोचा जाए। हाँ, लेकिन अनजाने में और अचानक अगर जेलीफिश के टेंटिकल्स आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो बिना देर किए पानी से बाहर आ जाए और उस स्किन एरिया को हाथ से ना छुए वरना पॉइजन स्प्रेड हो सकता है। इसलिए उस स्किन एरिया पर जो जेलीफिश स्टिंग्स लगे हुए हैं उन्हें ट्वीजर्स यानी चिमटी से हटाएं। स्किन के इस एरिया को फ्रेश वाटर से वॉश करने का ना सोचे, इसके बजाय सी वाटर से वॉश करना बेहतर होगा। और बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि बीचेस पर जाते समय आप अपने बैग में चिमटी के साथ साथ विनेगर की बॉटल भी जरूर रखें ताकि अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो इन्फेक्टेड पेनफुल एरिया पर विनेगर डालकर पॉइजन को स्प्रेड होने से रोका जा सके और रिलीफ मिल सके। इसके बाद जितना जल्दी हो सके मेडिकल केयर तक पहुंचे और अगर स्कूबा डाइविंग और स्नॉकलिंग का प्लान हो तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के साथ ही पानी में उतरे ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। अवेयर रहकर के भी आप अपना और अपनों का बचाव कर सकते हैं क्योंकि बीचेस जेलीफिशेस के बारे में वार्न करते हैं और पर्पल फ्लैग्स के जरिए जेलीफिश या अदर डेंजरस मरीन एनिमल्स की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं। ऐसे फ्लैग्स को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको इन एरियाज से दूर हो जाना चाहिए। तो देखा आपने, अगर आपको सही तरीका पता हो तो आप जेलीफिश के स्टिंग से बचाव कर सकते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप जेलीफिश को डिस्टर्ब ना करें क्योंकि आपको तंग करने का उसका भी कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो ओशन फूड वेब में एक शिकार और शिकारी के तौर पर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती आई है, कभी शिकार करके तो कभी शिकार होकर। वो इस इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है और उसके जिस ब्लूम की वजह से हम इंसानों को परेशानियां हो रही हैं, असल में उसकी जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि हम ही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हमारी ही देन है। तो ऐसे में जेलीफिश का सर्वाइव करना और मरीन इकोसिस्टम में इसका बैलेंस बना रहे ये जरूरी है और इसलिए हर साल 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है। इस दिन की बदौलत इस छोटे से खूबसूरत समुद्री जीव के लंबे सफर को याद किया जाता है क्योंकि ये तो इस अर्थ पर हम इंसानों से भी बहुत पहले से मौजूद है और ये वाकई इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी खास बात के साथ जेलीफिश की जिंदगी को करीब से देखने का हमारा ये आज का सफर यहाँ पर आकर पूरा हुआ। और जेलीफिश के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जेलीफिश एक ब्यूटीफुल और यूनिक क्रीचर है जिसे अवसरों को पहचान कर उनका फायदा लेना भी आता है और हर सिचुएशन में एडजस्ट करना भी आता है। अब हम इनसे क्या सीख सकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। और आप अगर बहुत कुछ नया नया और इन्फॉर्मेशन से भरपूर सीखते रहना चाहते हैं तो infinitystream.tv से यूं ही जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए रोबी आपसे कहेगी धन्यवाद।